हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? कुशल मंगल? चलो जी, आज से अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की रिवीजन, आईबीसी की रिवीजन। चलिए, लेट अस प्रोसीड्स एंड देखना शुरू करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। आएगा मोस्ट हाइप्ड, हाँ कह सकते हो। बड़ा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बड़ा स्लो स्लो चलाऊंगा इसमें, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं दौड़ाने वाला, बहुत ठीक ठीक लेके चलेंगे, जमीनी लेवल पे लेके चलेंगे। हाँ जी, इट विल रिमेन ऑन चैनल, डोंट वरी। चलो जी, सबसे पहले हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड। सवाल उठा, ये कोड कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है? दोबारा बोलता हूँ, ये कोड आईबीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो लॉ कहता है कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। यस। क्या ये एलएलपी के ऊपर भी अप्लाई होता है? क्या ये एलएलपी के ऊपर भी अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। इसके अलावा कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है किसी भी एक्ट के अंदर, से फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, क्या ये ट्रस्ट वगैरह पे भी अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। पार्टनरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल, यस। इवन दो इनसे रिलेटेड सेक्शन अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, बट क्या ये पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। उसके अलावा पर्सनल गारंटर के ऊपर अप्लाई होता है? द आंसर इज यस। एक बार आंखें बंद करके रिकॉल करके देखिएगा, क्या कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, एलएलपी के ऊपर अप्लाई होता है, फर्म्स एंड इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है, और वो ऐसी संस्थाएं जिन्हें की एक सेपरेट लॉ के अंदर बनाया गया है उनके ऊपर अप्लाई होता है, एंड पर्सनल गारंटर के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें से पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो ये हालांकि इनके ऊपर अप्लाई तो होता है, बट इनसे रिलेटेड जो लॉ है आईबीसी के अंदर वो नोटिफाई नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना? चलिए जी, तो इनसे रिलेटेड सेक्शंस हम तभी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, हम करते भी नहीं हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड। अब ये कोड क्या कहता है? कहता जी ऐसा है, ये कोड लगता है कॉरपोरेट पर्सन के ऊपर। अब कॉरपोरेट पर्सन क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन में हम एक बार कॉरपोरेट पर्सन को पढ़ लेते हैं, आइएगा कॉरपोरेट पर्सन कौन होते हैं। कॉरपोरेट पर्सन कौन होता है? कॉरपोरेट पर्सन में आता है कंपनी, कॉर्पोरेट पर्सन में आता है एलएलपी, कॉर्पोरेट पर्सन में आता है कोई भी और व्यक्ति, जिसकी लिमिटेड लेबिलिटी है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। एनी अदर पर्सन विद द लिमिटेड लेबिलिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये कॉर्पोरेट पर्सन होते हैं। ओके अब जब ये कॉर्पोरेट पर्सन ने अगर किसी को पैसा देना है, से फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कह सकता हूँ पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कॉर्पोरेट पर्सन? क्या कंपनी है? आंसर इज यस, तो कॉर्पोरेट पर्सन हो गई। यस, अगर इस पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसी को पैसा देना है तो ये कॉर्पोरेट पर्सन क्या बन जाएगा? कॉर्पोरेट डेटर बन जाएगा। तो कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। तो बात समझ आई कॉर्पोरेट पर्सन और कॉर्पोरेट डेटर में क्या फर्क है? चलिए अब ऊपर आइएगा, जो पैरा हमने छोड़ा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड में, ये कहता है दिस कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट्स इन द फाइनेंस सेक्टर। ओ, तो यानी कि वो कंपनियां जो कि फाइनेंस, भाई एक आवाज आ रही है अक्षांश अग्रवाल की, सर वॉइस लो है, क्या आपको भी लग रहा है लो है? कुंदन, वॉइस लो की बात कह रहे हैं। हाँ जी नीरज जी, लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, अब समझेगा। देखो जरा वॉइस, देखो वॉइस,
आप चेक कीजिएगा, आप चेक कीजिएगा, आप ठीक है। चले, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कोड की जब मैं बात करता हूं तो क्या कहता है कि ये कोड किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये कोड अप्लाई नहीं होगा फाइनेंशियल सर्विसेज में लगे हुए कॉर्पोरेट पर्सन्स पे। फाइनेंशियल सर्विसेज में लगे हुए कॉर्पोरेट पर्सन मतलब बैंक्स, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब एनबीएफसीज, इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ओ अच्छा, तो यानी कि कौन कौन? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और द पेंशन फंड्स, इनके ऊपर ये कोड अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैंक्स इस कोड में किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, हाँ, बट क्या कोई किसी बैंक के खिलाफ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं। यानी कि बैंक एक्शन ले तो सकते हैं बट बैंकों पर एक्शन हो नहीं सकता। इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे। चले फिर कहता है कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब क्या होता है, वो जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, ये सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब यहां पर एक एनबीएफसी को कवर कर लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऑल थैंक्स टू द टू स्कैम्स। फर्स्ट वन वॉज दीवान हाउसिंग फाइनेंस एंड द सेकेंड वॉज ILNFS। ये हमारी दोनों भारत की बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसी थी, बहुत बड़ी बड़ी, जिन्होंने हजारों करोड़ का लोन दे रखे थे। अब जब ये डूबी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं असहाय सा नजर आया कि इनकी इंसॉल्वेंसी के केस में। तो अब लॉ मेकर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, कितना ज्यादा प्रेशर डल सकता है, और दे आर मतलब दे माइट बी कॉल्ड एज ए क्वाजी ज्यूडिशियल बट दे आर नॉट ज्यूडिशरी, एब्सोल्यूट ज्यूडिशरी। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि जितनी भी बड़ी बड़ी एनबीएफसीज होंगी, क्यों? क्योंकि एनबीएफसी को क्यों, बैंकिंग कंपनी को क्यों नहीं? क्योंकि देखो, बैंकिंग कंपनी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्त गाइडलाइंस लगती हैं, एनबीएफसी के ऊपर वैसी सख्त लेवल की गाइडलाइंस नहीं है। तो इसलिए एनबीएफसी को पकड़ा गया कि वो एनबीएफसी जिनका एसेट साइज यानी कि जिन्होंने लोन दे रखा है कम से कम 500 करोड़ रुपए का, वो एनबीएफसी जिन्होंने लोन दे रखा है कम से कम 500 करोड़ रुपए का एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। फिर अगर उनकी इंसॉल्वेंसी होती है तो उन लोगों की इंसॉल्वेंसी आईबीसी के अंदर ही आएगी। ऑल दीज प्रोविजंस वर मेड सो एज टू कवर द दीवान हाउसिंग फाइनेंस स्कैम एज वेल एज द ILNFS स्कैम। गेटिंग इट? चले और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठा, ये कोड कब अप्लाई होगा? नॉर्मली हम इतने डीप सेक्शन पढ़ जाते हैं बट ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि ध्यान रखना है, ये कोड तब अप्लाई होगा जब मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए होगा। यानी कि 1 करोड़ रुपए और उसका ऊपर का जब डिफॉल्ट होगा केवल तभी ये लगेगा, केवल तभी ये लगेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बताता जाता हूँ जो कि रेलेवेंट हो सकती है। कॉर्पोरेट पर्सन, कॉर्पोरेट डेटर हमने देख लिया, उसके बाद जो मेरे लिए रेलेवेंट डेफिनेशन है डिफॉल्ट की। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ द डेट। दोबारा बोलो, नॉन पेमेंट ऑफ द डेट व्हेन होल और पार्ट और इंस्टॉलमेंट, होल और पार्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू हो चुकी है, पेबल है बट पे नहीं हुई। एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट है, ध्यान रखना है। एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट डिफॉल्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आता है? बस एक बात का ध्यान रख लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी फॉरेन बैंक नहीं आता है, कोई भी फॉरेन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं आता है। तो इसमें कौन आते हैं? शेड्यूल बैंक आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, PFI आते हैं जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 72 में मेंशन है। 45I में कौन से मेंशन है? नबार्ड, सिडबी वगैरह, ये शेड्यूल बैंक्स, SBI, PNB वगैरह, ये सब। ठीक है जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन देख सकते हो एक बार। फिर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट क्यों होता है? अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन कहाँ पे लिंक होती है? हमारी सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन लिंक होती है, क्यों? क्योंकि इस कोड के अंदर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है इंसॉल्वेंसी की। फाइनेंशियल क्रेडिटर कर सकता है, यस। ऑपरेशनल क्रेडिटर कर सकता है, यस। कॉर्पोरेट डेटर खुद की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, द आंसर इज यस। अब जब कॉर्पोरेट डेटर खुद की एप्लीकेशन फाइल करता है तो कॉर्पोरेट डेटर यानी कि कंपनी वो खुद भी कर सकती है और उसके बिहाफ पर उसका मैनेजमेंट भी कर सकता है। मैनेजमेंट में कौन आता है? इसलिए कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी के अंडर सेक्शन 10। तो इसलिए ये डेफिनेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। ओके,
हाँ जी, सबसे पहले कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में कौन आता है? कॉर्पोरेट डेटर तो खुद आता ही आता है, इसके अलावा मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो कि जिसे कि ऑथराइज किया गया है इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जिसे कि ऑथराइज किया गया है इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, और अगर किसी को फाइल नहीं किया गया तो वो इंडिविजुअल जो कि इंचार्ज है ऑफ द मैनेजर मैनेजमेंट एंड रिसोर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ओके, जो कि इंचार्ज है, जिसको मतलब जो टेक केयर कर रहा है सारा के सारे अफेयर्स को, ओके, अ पर्सन हु हैज द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल अफेयर्स मतलब CFO वगैरह या फिर होल टाइम डायरेक्टर्स वगैरह, इसकी बात कर रहा है। सी पॉइंट में किसकी बात की है उसने? मैनेजर की, MD की, इन लोगों की बात की है, ठीक है? तो एक बार रिकॉल कीजिएगा फटाफट डेफिनेशन, हम डेफिनेशन कर रहे हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में खुद कॉर्पोरेट डेटर आते हैं, कोई भी मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आता है जिसे कि ऑथराइज किया गया है फॉर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, कोई भी वो इंडिविजुअल जो कि इंचार्ज है ऑफ मैनेजिंग द ऑपरेशंस एंड रिसोर्सेज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और कोई भी वो पर्सन जिसका कंट्रोल है एंड सुपरविजन है ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में क्या क्या आता है? MCQ पर्पस से रेलेवेंट है ये डेफिनेशन भी। डिस्प्यूट का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट। एग्जिस्टेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट जब इससे रिलेटेड डिस्प्यूट होगा, मतलब आपने किसी का पैसा पे करना है नहीं किया, तो वहां पर डिस्प्यूट हो सकता है, तो वो डिस्प्यूट माना जाएगा, यस, क्योंकि डिस्प्यूट में आएगा सूट यानी कि लिटिगेशन या फिर आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट, कि तूने मेरा पैसा पे करना है, वो कहता है मेरे को नहीं पे करना, ये डिस्प्यूट है। क्वालिटी ऑफ द गुड्स, तेरा माल खराब है, वो कहता है नहीं खराब है। द ब्रीच ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन और वारंटी, तूने मेरे फ्रिज की वारंटी ली थी 1 साल की, 1 साल नहीं चला, वो कहता है नहीं जी ये वाले पार्ट की वारंटी नहीं ली थी, तो ये भी डिस्प्यूट के अंदर कवर होता है। फिर मेरे लिए बहुत रेलेवेंट सी डेफिनेशन आती है जिसका नाम है फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे कोई भी फाइनेंशियल डेट पेबल होता है, मतलब जिसके द्वारा जिसको आपने पे करना होता है फाइनेंशियल डेट, ओके। इसमें वो व्यक्ति भी आता है जो अपना फाइनेंशियल डेट किसी और को असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल, मैंने HDFC बैंक को लोन देना था, लोन का पैसा रीपे करना था, HDFC ने ये लोन उठा के SBI को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या SBI अब मेरा फाइनेंशियल क्रेडिटर आ गया है? यस, द आंसर इज यस, ठीक है। मेरे लिए डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आएगा जिसका नाम है फाइनेंशियल डेट। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इस डेफिनेशन के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर F। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लॉज नंबर F। अब क्या ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको लिखने को कह सकता है? द आंसर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैक्सिमम क्या कह सकता है आपको? मैक्सिमम इसमें से कोई एक पॉइंट उठा के पूछ सकता है, बस एक पॉइंट उठा के पूछ सकता है कि बताइए जी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, तो फाइनेंशियल डेट का मतलब क्या होता है? डेट अलोंग विद द इंटरेस्ट, अ डेट अलोंग विद द इंटरेस्ट इफ एनी। तो डेट का मतलब क्या है? डेट अलोंग विद द इंटरेस्ट इफ एनी विच इज डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, विच इज डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया 1 साल के लिए, तो वो 1 साल बाद आपको 1,10,000 रुपए लौटाएगा, दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। फिर कहता है डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इफ एनी, अब वर्ड आ गया इफ एनी, इसका मतलब है अगर आपने किसी को लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट, तो क्या वो भी उसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर नहीं है, तो क्या वो फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आएगा? आप बड़ी कंफ्यूजिंग है ये लाइन पूरी की पूरी। एक तरफ कहता है अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी होना जरूरी है, दूसरी तरफ कहता है इंटरेस्ट इफ एनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी IBC में मेरा पर्पस है कि जो पैसा डूबा है उसकी रिकवरी करवाना, मेरा पर्पस है जो पैसा डूब चुका है केवल उसकी रिकवरी करवाना, तो इसलिए मुझे ये मतलब नहीं है कि आप में आपने जो लोन दिया है उसमें इंटरेस्ट पेबल है या नहीं है। इवन इफ यू हैव लेंडेड सर्टन अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, इवन इफ द अमाउंट हैज बीन लेंडेड विदाउट एनी इंटरेस्ट, स्टिल दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनेंशियल डेट, तो भी इसे फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में ही लिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? और इसमें इंक्लूड होंगे क्या? मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट,
मनी बोरोड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि जब आप पैसा ब्याज पे लेते हैं. एनी अमाउंट रेज्ड अंडर द एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी मतलब सीसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज वगैरह. एनी अमाउंट रेज पर्सुएंट टू अ नोट परचेज फैसिलिटी, मतलब नोट परचेज फैसिलिटी मतलब डिबेंचर्स बॉन्ड्स ये सब, ठीक है जी. आगे द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज और द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि फाइनेंशियल और कैपिटल लीज के नेचर की है, जो कि फाइनेंशियल और कैपिटल लीज के नेचर की जो है, वहां पर अगर आप लायबिलिटी को इनकर करते हैं, ठीक है जी. रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड अदर देन रिसीवेबल सोल्ड ऑन द नॉन रिकोर्स बेसिस, यानी कि अगर रिकोर्स बेसिस पे हुआ है तो फिर फाइनेंशियल डेट है, बट नॉन रिकोर्स बेसिस पे हुआ है. रिकोर्स का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी से पैसा लेना था, मैंने वो आपको ट्रांसफर कर दिया कि भैया तुम ले लेना, बट रिकोर्स बेसिस पे था. रिकोर्स बेसिस पे मतलब कि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो तुम मुझसे ही ले सकते हो, ये फाइनेंशियल डेट है. परंतु अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पे हुआ, नॉन रिकोर्स मतलब अब मेरा, मैंने किसी से पैसा लेना था, मैंने तुम्हें दे दिया ये कि तुम जानो और वो जाने, अगर उसने पैसा ना दिया तो मेरे पास मत आना, अब इसे मैं ना फाइनेंशियल डेट नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा मैं सेल ऑफ डेटर कर दिया एक तरीके से, मैंने डेटर सेल कर दिया एक तरीके से अपने, ठीक है ना. तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसे डिस्कस किया जाता है, वो आईबीसी के अंदर नहीं आएगा, वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इसके लिए असाइनमेंट के सेपरेट प्रोविजन बने हुए हैं. चलिए और आगे बढ़ते हैं. फिर कोई भी अमाउंट जो कि रेस किया गया है किसी एनी अदर ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट में, यानी कि अगर कोई भी अमाउंट जो रेज किया गया है किसी फॉरवर्ड सेल में या परचेज एग्रीमेंट में जिसका कि कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग है, कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, हाँ कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, और कौन सी ट्रांजेक्शन है फॉरवर्ड सेल या परचेज एग्रीमेंट है. अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये सारा क्लॉज लाया गया बिल्डर्स के लिए, मतलब आप बिल्डर को पैसा देते हो. दोबारा बोलूं, आपने बिल्डर को पैसा दिया, अब आपने दिया बिल्डर को कितना दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए. अब ये किस लिए दिया, आपने मकान बनने के लिए, या 1 करोड़ रुपए दिया, तो आपको 3 साल बाद क्या मिलेगा, मकान मिल जाएगा, या आपका फ्लैट मिल जाएगा, या आपका प्लॉट मिल जाएगा. तो यानी कि कोई भी अमाउंट जो रेस किया गया है इन एनी ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल और द परचेज एग्रीमेंट, अगर किसी फॉरवर्ड सेल या परचेज एग्रीमेंट के अंदर भी आपने अमाउंट रेस किया है, फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट का मतलब है कि जहां पर आज आपने अमाउंट दिया फ्यूचर में आपको चीज मिलेगी. ये पूरा क्लॉज किस लिए, केवल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए कवर किया गया था, इसलिए लॉ मेकर ने यहां पर एक एक्सप्लेनेशन भी दे दी जिसमें लिखा गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कोई भी अमाउंट जो रेस किया जाएगा फ्रॉम द अलॉटी अंडर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी डीम्ड टू बी एन अमाउंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग. तो इसको ही वो अमाउंट माना जाएगा जिसका कि कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग होता है, ठीक है जी. चलो फिर कहता है कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, यानी कि हेजिंग को भी कवर किया गया है, हेजिंग भी फाइनेंशियल डेट में आएगी. यस, अगर आप किसी बैंक से हेजिंग वगैरह लेते हैं तो वो भी, हेजिंग करवाते हैं तो वो भी आपके फाइनेंशियल डेट में आएगी. फिर काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशंस, काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन, इंडेमनिटी मतलब होता है किसी के लॉस की भरपाई का वादा करना, यानी कि अगर मान लीजिए आपने गारंटी दी है और मैंने आपने जो गारंटी दी है उसके लिए आपको इंडेमनिटी वगैरह दी है तो ये भी फाइनेंशियल डेट में आएंगे. द आंसर इज यस, ठीक है जी. फिर यहां पर एक केस लॉ डाला हुआ है आईसीआई ने जो कहता है कि अगर मान लीजिए आप परचेज मनी, एप्लीकेशन मनी पे करते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन मनी पे करते हैं फॉर द परचेज ऑफ शेयर, तो ये फाइनेंशियल डेट नहीं है क्योंकि लॉ में इसका सेपरेट प्रावधान है, क्योंकि 60 दिन के अंदर अंदर अगर शेयर का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो ये पैसा वापस आ जाता है, तो ये फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है जी. फिर उसके बाद मेरे लिए दो डेफिनेशन रेलेवेंट और हैं, एक है इनिशिएशन डेट, एमसीक्यू पर्पस से बहुत रेलेवेंट है. इनिशिएशन डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर इनिशिएटिंग द सीआईआरपी, जिस दिन आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो इनिशिएशन डेट है, और जिस दिन ये एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है. इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट को ही हम सीआईआरपी भी कहते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का कमेंसमेंट डेट भी कहते हैं, ठीक है. और आगे बढ़े, चले अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड कितना होता है, द आंसर इज 180 डेज. इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड कितना होता है, 180 दिन का ये पीरियड होता है. फिर आते हैं जी ऑपरेशनल क्रेडिटर पर. ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं, वो लोग जिन्हें की कोई ऑपरेशनल डेट ओड है, जिन्हें की आपने ऑपरेशनल डेट देना है,
एंड इसमें वो लोग भी आएंगे जिन्हें ये डेट असाइन हो चुका है या फिर ट्रांसफर हो चुका है, इसमें वो लोग भी आएंगे। ऑपरेशनल डेट का मतलब क्या है? ऑपरेशनल डेट का मतलब होता है वो डेट जो कि ड्यू है गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर गवर्नमेंट को जो भी ड्यूज हैं वो सारे के सारे ऑपरेशनल डेट कहलाते हैं। तो गुड्स, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल दीज आर ऑपरेशनल डेट। ठीक है जी, अब दो डेफिनेशंस अपने घर में पढ़नी है। ये डेफिनेशन कब पढ़ना? सेक्शन 2 क्लॉज 76 की डेफिनेशन पढ़ने के बाद। और ध्यान रखना केवल एक एक नंबर का सवाल आ सकता है, इस पे एक नंबर से ज्यादा का सवाल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एक नंबर का सवाल आ सकता है एमसीक्यू पे, कभी नहीं कहेगा रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करो। बट इस डेफिनेशन को आप रेफर कब करोगे? जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन लॉ में पढ़ रहे होगे, उसी दिन प्लीज इस डेफिनेशन को भी रेफर कर देना, बिल्कुल उसी दिन। अब दो तरीके की रिलेटेड पार्टी है, एक है कॉर्पोरेट डेटर के रिलेशन में जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 24 में मेंशन है, और एक है इंडिविजुअल के रिलेशन में जो कि सेक्शन 5 क्लॉज 24 कैपिटल ए के अंदर मेंशन है। तो दोनों रिलेटेड पार्टी को प्लीज 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 सेक्शन 2 क्लॉज 76 करने के बाद करना, तभी समझ आएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सेक्शन 7। देखो जी, इस पूरे के पूरे कोड के अंदर अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है तो कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ अब एप्लीकेशन फाइल की जाती है। जब ये कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो कौन एप्लीकेशन फाइल करता है? सेक्शन 7 कहता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 8 एंड 9 कहता है ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड सेक्शन 10 कहता है खुद कॉर्पोरेट डेटर। तो यानी कि ये तीन चार सेक्शंस बने हुए हैं और जिसमें ये तीन लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अ कॉर्पोरेट डेटर, खुद के लिए भी। द आंसर इज यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर की। ओके, इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ओके, क्या कहता है इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए, क्या कहता है लॉ? देखिएगा, लॉ कहता है क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? यस। क्या जॉइंटली भी कर सकता है? यस। या कोई और व्यक्ति भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? यस। अच्छा, कौन कौन फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? देखिएगा, एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए फाइल कर सकते हैं गार्जियन भी फाइल कर सकते हैं, यस, ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, द आंसर इज यस। कोई ट्रस्टी इंक्लूडिंग द डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी, ये भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यस। और कोई भी व्यक्ति जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करेंगे वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, आंसर इज हाँ। तो ये लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे ऑथराइज करेंगे और किसे ऑथराइज करेंगे? द आंसर इज, इसकी चर्चा सेक्शन 21 सबसेक्शन 6 के अंदर कर रखी है कि वो कैसे ऑथराइज करेंगे, किसे ऑथराइज करेंगे। चले, हाँ जी, तो मैंने कहा जी फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अकेले भी या किसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ मिलकर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या फिर कोई और व्यक्ति भी फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ओके, बट कब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी? जब डिफॉल्ट होगा। अच्छा, यहां पर एक एक्सप्लेनेशन आती है, वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? कहती है एसबीआई का भी डिफॉल्ट हुआ, पीएनबी का भी डिफॉल्ट हुआ। एसबीआई का डिफॉल्ट 40 करोड़ का, पीएनबी का डिफॉल्ट 10 करोड़ का। एसबीआई ने एप्लीकेशन फाइल की और वो 50 करोड़ का डिफॉल्ट दिखा रहा है, 40 अपना 10 पीएनबी का, हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि आप किसी और व्यक्ति के बिहाफ पर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसमें जब डिफॉल्ट मेंशन करेंगे तो डिफॉल्ट अपना प्लस उसका इंक्लूड करके मेंशन कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है यहां पर कुछ चीजें। कहता है फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद एप्लीकेशन फाइल करता है, यस। क्या वो जॉइंटली भी कर सकता है? यस। बट ये बात ऑपरेशनल क्रेडिटर में नहीं है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जॉइंटली एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? नहीं, इस बात पे सवाल आया नहीं है, आप ध्यान रखना। क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ पर कोई और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है लाइक गार्जियन वगैरह? नहीं, ये प्रोविजन वहां नहीं है। तो यानी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को अपनी एप्लीकेशन खुद ही फाइल करनी पड़ती है, द आंसर इज यस। ये छोटा सा पॉइंट परेशान करेगा पेपर में किसी टाइम, ध्यान रखना। अच्छा, बात समझ आ गई इतनी बात? चले, तो डिफॉल्ट में न केवल डिफॉल्ट आपका डिफॉल्ट बल्कि अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर का भी डिफॉल्ट आता है, परंतु ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऐसा नहीं है। एक ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, मान लीजिए मैं एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं, मैं एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूं, मैंने अपना डिफॉल्ट प्लस अपने पड़ोसी, वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर था, उसका डिफॉल्ट भी अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं 60 लाख का, मेरा पड़ोसी है 40 लाख का, तो हम दोनों मिलकर एप्लीकेशन एक
करोड़ की बन गई फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि ना मैं कर सकता हूं और ना वो कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर में इंडिविजुअली देखना है, बट फाइनेंशियल क्रेडिटर में सारे मिलकर कर सकते हैं। द आंसर इज यस, मिलकर कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं। ओ माई गॉड, SBI, PNB ये सब मिलकर कर सकते हैं। यस, क्लियर हो गई इतनी बात। चले फिर आता है, जब सेक्शन 7 के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो क्या होता है। सेक्शन 7 में जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो क्या होता है, देखो जी, सेक्शन 7 की जब भी एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो उस एप्लीकेशन के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, लाइक रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट्स, जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है तो इस एप्लीकेशन के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करेगा, लाइक रिकॉर्ड्स ऑफ डिफॉल्ट विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अच्छा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ने अभी तक काम करना तो शुरू किया नहीं है, तो फिर आप रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी कैसे करोगे। तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा, और सच अदर रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट एज मे बी स्पेसिफाइड। दूसरा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, कि कौन होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसका नाम भी बताना पड़ेगा। तीसरा, कोई भी और इंफॉर्मेशन जो कि बोर्ड यानी कि IBBI स्पेसिफाइड करेगा, वो कोई भी और जो बोर्ड द्वारा स्पेसिफाई की होगी। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफॉल्ट। अब जब आपने एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल की तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर डिसाइड करता है कि इस एप्लीकेशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। अब एक बात ध्यान रखना, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस एप्लीकेशन को एडमिट कर रही होती है तो एडमिशन के टाइम पे उन्हें कॉन्सेप्ट उन्हें एक चीज एसर्टेन करनी होती है, डेट इज एसर्टेनमेंट ऑफ डिफॉल्ट। उन्हें एसर्टेन करना होता है कि क्या डिफॉल्ट है या नहीं है। अब एक बड़ा कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस पहुंचा था, श्री मेटालिक्स के नाम से केस था, या नाम याद नहीं करना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट केस के फैक्ट्स ध्यान रखना। अब हुआ क्या था, कलकत्ता हाईकोर्ट में केस पूछा जहां कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की फाइनेंशियल क्रेडिटर ने और एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया गया। कॉर्पोरेट डेटर हैरान था, उसने कहा भाई मुझे तो पूछने का मौका ही नहीं दिया, मुझे भी तो सुनवाई का मौका दो। ट्राइब्यूनल का कहना था कि पूरे लॉ में कहीं भी नहीं लिखा कि हमें तुम्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए, हमें लिखा है कि 14 दिन में एप्लीकेशन को एडमिट या फिर रिजेक्ट करना है, तो फिर वी आर नॉट लायबल टू गिव एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट टू यू। कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल की उसने और एप्लीकेशन गई कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां पर डिसीजन लिया, उन्होंने कहा देखो जी, वर्ड लिखा है कि ट्राइब्यूनल जब एप्लीकेशन जब असर्टेनमेंट ऑफ डिफॉल्ट कर लेगा तो असर्टेनमेंट ऑफ डिफॉल्ट करके एप्लीकेशन को एडमिट करेगा। जब मैं वर्ड कहता हूं एग्जिस्ट असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, तो इस वर्ड्स का मतलब यह होता है कि इन्हीं वर्ड्स के अंदर क्या आता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड भी आता है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देनी पड़ेगी। तो ये कोलकाता हाईकोर्ट का जजमेंट था। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइजो डाल दिया कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई एप्लीकेशन एडमिट कर ली है परंतु असर्टेनमेंट ऑफ डिफॉल्ट नहीं किया है तो फिर उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने असर्टेनमेंट ऑफ डिफॉल्ट क्यों नहीं किया है। तो यानी कि आज के केस में क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड कॉर्पोरेट डेटर को देना जरूरी है एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले, यस, अदरवाइज यू हैव mention the reason that why you have not provided such opportunity to the corporate debtor. फिर उसके बाद adjudicating authority order pass करेगी। देखो जी, जब order pass होगा तो क्या होगा, अगर तो default हो चुका है, default has occurred, plus application complete है, plus कोई disciplinary proceedings नहीं है, दोबारा बोलूं, default हो चुका है, plus application complete है, plus कोई disciplinary proceeding नहीं है, तो फिर adjudicating authority इस application को admit कर सकती है। परंतु इनमें से अगर कहीं भी प्लस टूटा, जैसे डिफॉल्ट हुआ या फिर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी या फिर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट जब भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस एप्लीकेशन में मौजूद डिफेक्ट को दूर करने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी 7 दिन की। अब ये 7 दिन मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं, ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी इन द सेंस कि 7 दिन में करना चाहिए आपको, परंतु किसी रीजन से अगर आप 7 दिन में नहीं कर रहे हैं तो फिर सफिशियंट कॉज प्रोड्यूस कर दीजिए कि आप 7 दिन
दिन में क्यों नहीं कर पाए और 7 दिन के बाद भी आप एप्लीकेशन में डिफेक्ट दूर कर सकते हैं। उसके बाद कहता है जी सीआईआरपी उसी दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी। ठीक है जी, चलिए, ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है श्री मेटालिक्स का, ये लिखा हुआ है। फिर आता है जी विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन। अब सवाल उठा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब से इसकी रेगुलेशन 30A सिलेबस में आई है तब से पूछा नहीं गया, तो ध्यान रखना वैसे इंपॉर्टेंट है। सवाल उठा, क्या ये एप्लीकेशन जो आपने फाइल की, चाहे 7 में फाइल की फाइनेंशियल क्रिएटर ने या फिर 9 में फाइल की ऑपरेशनल क्रिएटर ने, तो क्या इस एप्लीकेशन को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ, विड्रॉ किया जा सकता है। कब विड्रॉ किया जा सकता है? देखो जी, पहले 14 दिन के अंदर तो एप्लीकेंट ही विड्रॉ कर सकता है, एप्लीकेंट ही पहले 14 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकता है जब तक इस एप्लीकेशन को एडमिट नहीं किया गया है। सफिशियंट कॉज क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए घर में कोई बीमार था, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या है। हाँ जी, फिर अगर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन से पहले विड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रिएटर अभी नहीं हुआ है। अगर कमिटी ऑफ क्रिएटर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो फिर आईआरपी जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। आईआरपी एप्लीकेशन फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। दूसरी बात, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी, अब सीओसी का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, अब आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे सीओसी के पास। सीओसी के पास आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू। अच्छा, कैसे? आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एप्लीकेशन देंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस एप्लीकेशन को 7 दिन के अंदर अंदर सीओसी के पास लेके जाएगा और सीओसी का अप्रूवल लिया जाएगा। सीओसी का अप्रूवल 90% से लिया जाएगा, ध्यान रखना, यह इकलौती परसेंटेज है 90% जो इस कोड में अप्लाई होगी, 90%, वरना हर जगह 51% और 66% अप्लाई होते हैं। तो फिर दोबारा ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेंट एप्लीकेशन सबमिट करेगा आरपी को, आरपी अगले 7 दिन के अंदर अंदर सीओसी के पास लेके जाएगा, सीओसी 90 दिन के अंदर अप्रूवल देगा, सीओसी के अप्रूवल के 3 दिन के अंदर अंदर इसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को प्रेजेंट किया जाएगा, तब ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है। कोई दिक्कत? चले, फिर उसके बाद आफ्टर इश्यू ऑफ द इनविटेशन फॉर ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लास्ट की स्टेजेस आ रही होती हैं और लास्ट के स्टेजेस में जब कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है और लोगों को बुलाता है कि आओ आओ आओ, क्या कोई है जो इस कॉर्पोरेट डेटर को टेक ओवर कर ले, आओ आओ आओ, उचित दाम पे उचित कंपनी मिल रही है, आओ आओ, ले जाओ ले जाओ, जब वो ऐसी आवाजें लगाता है तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप इशू कर चुके हो, अब जाके विड्रॉल होना है, हो रहा है या फिर सेटलमेंट हो चुका है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर लगा था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बट ओनली विद द डिफरेंस दैट कि अब आपको प्रॉपर डिटेल में एक रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों, अब आग क्यों लगी विड्रॉ करने की, पहले क्यों नहीं लगी थी। ठीक है ना? चलिए, क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 8 एंड 9 पर, ऑपरेशनल क्रेडिटर पर। ऑपरेशनल क्रेडिटर, लो जी, सेक्शन 8 एंड 9 ये दोनों ऑपरेशनल क्रेडिटर के हैं। 8 और 9 में फर्क क्या है समझेगा। सेक्शन 8 में क्या होता है, 8 कहता है कि जब भी डिफॉल्ट होगा तो सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर को एक आखिरी मौका देगा 10 दिन का। ये 10 दिन का मौका दिया जाएगा जिसमें उसे कहा जाएगा कि भैया देख, तूने मुझे पेमेंट करनी थी, मुझे पेमेंट कर दे, कर दे, कर दे, मुझे पेमेंट कर दे। अगर 10 दिन में या तो ऑपरेशनल या तो कॉर्पोरेट डेटर ये दिखा दे कि डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कैसे दिखाया जा सकता है, 2 तरीके से, या तो वो दिखा दे कि इस डिमांड नोटिस के आने से पहले ही वो क्वालिटी या फिर गुड्स की क्वालिटी या सर्विसेज से रिलेटेड डिस्प्यूट रेज कर चुका है तो उसे माना जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, या फिर वो ये दिखा दे कि ये डिमांड नोटिस आने से पहले ही कोर्ट में मामला पेंडिंग था या आर्बिट्रेशन में मामला पेंडिंग था, तो फिर इसे भी एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट कहा जाएगा। अगर तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है
तो ये जो डिमांड नोटिस रेज हुआ है ये अपने आप में बेकार हो जाता है। परंतु अगर कोई एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट नहीं है और 10 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटर ने पेमेंट भी नहीं की है, तो अब ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फाइल होगी सेक्शन 9 के अंदर। तो सेक्शन 8 केवल डिमांड नोटिस की बात करता है। डिमांड नोटिस कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। 10 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटर या तो तुम पेमेंट कर दो और या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट दिखा दो या फिर पेंडेंसी ऑफ सूट या फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग दिखा दो। परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेक्शन 9 में अब एप्लीकेशन फाइल होगी 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद जब ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेगा तो एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या फाइल करेगा, इनवॉइस की कॉपी, कॉपी ऑफ इनवॉइस या फिर डिमांड लेटर वो फाइल करेगा, एफिडेविट जिस पे खाएगा मम्मी कसम कि, मम्मी कसम कह रहा हूं कि मुझे पेमेंट नहीं मिली है, मुझे पेमेंट नहीं मिली है, और कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट है मगर जरूरी नहीं है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है नहीं तो नहीं सही। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट जिसमें वो लिखेंगे कि कसम से हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई है। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड्स जरूरी नहीं है क्योंकि वो ही नहीं है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो इसलिए लिखा हुआ है इफ एनी। और फिर अदर प्रूफ कि हाँ जी कोई पेमेंट नहीं आई है, लाइक बैंक स्टेटमेंट वगैरह। अच्छा फिर कहते हैं अब जहां फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है और एप्लीकेशन के साथ में किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रपोज करता है एज अ आईआरपी, वहां ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ में शब्द लिखा हुआ है मे, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर मे प्रपोज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि मे का मतलब है प्रपोज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अगर करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, सेक्शन 16 में जाकर देखेंगे। फिलहाल एडजुडिकेटिंग 14 दिन के अंदर अंदर इस एप्लीकेशन को एडमिट भी कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एप्लीकेशन को एडमिट कब करेगा, एप्लीकेशन कंप्लीट है, सही में कसम से कोई पेमेंट नहीं आई है, नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ टू द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन डिलीवर्ड, यानी कि नोटिस फॉर द पेमेंट टू द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर, डिमांड नोटिस की बात कर रहा है, कोई भी डिस्प्यूट का नोटिस नहीं आया है, कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है, अगर ये सारी कंडीशन मिलकर सेटिस्फाई होती है तो एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। परंतु इनमें से अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुई, एक भी, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगेन रिजेक्शन से पहले 7 दिन का मौका दिया जाएगा। 7 दिन का मौका डायरेक्टरी नेचर का है, मैंडेटरी नेचर नहीं है, ध्यान रखना, अगर सफिशियंट कॉज प्रोड्यूस हो जाए। ये केस कहां था, सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलापत मिल्स का ये केस था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है सेक्शन 10 कहता है जहां पर कॉर्पोरेट डेटर अपने लिए खुद के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कॉर्पोरेट डेटर क्या खुद की इंसॉल्वेंसी के लिए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? द आंसर इज कर सकता है। अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया होगा तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, याद आया सेक्शन, अभी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का लिंक समझाया था, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, किस लिए, फॉर इनिशिएटिंग द सीआईआरपी विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जब अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा तो एप्लीकेशन के साथ में क्या लगाएगा, द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आरपी, यानी कि ओह जब कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल करेगा तो एप्लीकेशन के साथ में आरपी प्रपोज होगा ही होगा, यस, के आरपी प्रपोज होगा एज आईआरपी, द आंसर इज यस। अच्छा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जाएंगी, किसी पर्सन को प्रपोज भी किया जाएगा एज आईआरपी, और तीसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ध्यान रखना इस पे सवाल बन सकता है। हाँ पूनम बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, और वैसे अब मैं कल की क्लास तक ना आपको टेलीग्राम का आईडी दे दूंगा जिसमें क्वेरी सेक्शन ओपन हो जाएगा, आप एंड क्वेरी सेक्शन कल से आप शुरू कर सकते हो। जो भी आपको क्वेरी कहीं भी किसी लेवल पे भी फाइनल लॉ में, मेन लॉ में, इलेक्टिव लॉ में आ रही है, उठा के टेलीग्राम पे डाल देना कल से मैं आपको टेलीग्राम का आईडी दे दूंगा, ठीक है। आईडी मैं आज भी दे सकता हूँ, मेरा फोन मेरे पास इस टाइम नहीं है, मेरे घर पे है फोन, तो वहां पे है, और सीए फाइनल क्वेरी नाम से कोई टेलीग्राम ग्रुप था मेरा शायद समथिंग, अगर आप जिनके पास है ठीक है, नहीं तो मैं कल आपको यहीं पे दे दूंगा कि ये क्वेरी ग्रुप है जिसपे आप क्वेरी पूछ सकते हैं कोई भी कोई भी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मेरे स्टूडेंट है नहीं है, आप मतलब है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्वेरी पूछिए, लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए प्लीज। बट एक शर्त होगी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं,
कोई किसी टीचर की बुराई नहीं, कोई किसी टीचर की बढ़ाई नहीं, किसी टीचर के ना नेगेटिव ना कुछ और समथिंग, कुछ भक्ति राग नहीं, कुछ भी नहीं, केवल क्वेरी, केवल कंसेंट्रेट टुवर्ड्स योर क्वेरी, ठीक है? चलो नहीं नहीं वो उसे मैं बोथ साइडेड बना दूंगा ग्रुप को, मैंने वन साइडेड किया हुआ है क्योंकि ये शुरू हो गया था, एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई थी, एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कई तो एडवर्टाइजर घुस जाते हैं बीच में टेलीग्राम्स के, वो शुरू कर देते हैं, अरे यही तो भाई अकाउंट्स के लिए, एफआर के लिए ये, एसएफएम के लिए ये शुरू हो जाता है तो बड़ा दुख होता है कि यार ये क्वेरी का ग्रुप बनाया था, कहां घुस गए नालायक। चले फिलहाल कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जब एप्लीकेशन फाइल करेगा तो साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन जरूर देगा। स्पेशल रेजोल्यूशन तो भैया कंपनी में फाइल होगा, और अगर कंपनी नहीं है एलएलपी है तो फिर तू फिर वहां पे 3/4 की कंसेंट चाहिए होगी, ठीक है ना, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर की कंसेंट चाहिए होगी। 14 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी अगर वो कंप्लीट है और कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, परंतु रिजेक्ट कर देगा अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है। ठीक हो गई इतनी बात, चले। परंतु रिजेक्ट करने से पहले 7 दिन का एक मौका दिया जाएगा, 7 डेज का मौका दिया जाएगा एप्लीकेशन में एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, 7 दिन का एक मौका दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कोरोना फेस इसे उड़ा देना। सेक्शन 11 कहता है जी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते इस कोड में। कौन कौन ऐसा है जो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता? कॉर्पोरेट डेटर जिसकी खुद की सीआईआरपी चल रही है। अच्छा, वो मतलब अपने डेटर के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता होगा ना? नहीं, वो अपने डेटर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है मगर वो खुद के लिए नहीं कर सकता। से फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने आपके खिलाफ सेक्शन 7 में एप्लीकेशन फाइल किया, आपने कहा अच्छा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन, तो क्यों करेगा, मैं करूंगा सेक्शन 10। भाई जब हो गए ना तेरे खिलाफ एप्लीकेशन तो अब तू क्या सेक्शन 10 लगा रहा है, अब तू चल रहा है तो सेक्शन 7 में या 9 में अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है तो अब आप सेक्शन 10 में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। दूसरी बात, फाइनेंशियल क्रेडिटर और एन ऑपरेशन और ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो कि पीआईआरपी में जा रहा है, अगर कोई मान लीजिए पीआईआरपी में एप्लीकेशन फाइल हो गई है, क्योंकि पीआईआरपी में ना सारा का सारा अफेयर्स हम देखेंगे 54A की सीरीज में, जो पीआईआरपी होती है उसमें सारा का सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? कॉर्पोरेट डेटर के एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहता है। तो इसलिए इस बात से खफा होकर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन सीआईआरपी के लिए फाइल करना चाह रहा है, नहीं होगी। अच्छा, वो कॉर्पोरेट डेटर जिससे अभी 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 कंप्लीट किए, जिसने सीआईआरपी, और 12 महीने भी पूरे नहीं हुए, भाई 12 महीने भी पूरे नहीं हुए, हे मां माता जी, आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। फिर वो कॉर्पोरेट डेटर जिसके रिस्पेक्ट में रेजोल्यूशन प्लान अभी अभी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हुआ है पीआईआरपी के अंदर और उसे 12 महीने भी नहीं हुए, यानी कि पीआईआरपी का प्लान अभी अप्रूव हुआ है और उसे 12 महीने भी नहीं हुए अभी, ओके, वो भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। फिर वो कॉर्पोरेट डेटर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने पिछले जो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था 12 महीने भी के अंदर अंदर उसका वायलेशन कर दिया और अब यहां एप्लीकेशन फाइल करने आ रहे हैं, हे मां माता जी क्या बात कर रहे हो, नहीं हो सकता। और फिर जिसके रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो भी नहीं फाइल कर सकता। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर के लिए, दोबारा बोलो, कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जो कि सीआईआरपी में चल रहा है वो अपने लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर जो कि पीआईआरपी में चल रहे हैं वो फाइनेंशियल वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जिसकी सीआईआरपी अभी 12 महीने भी नहीं हुए कि खत्म हुई है वो अब एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जिसके रिस्पेक्ट में पीआईआरपी का प्लान अप्रूव हुआ है 12 महीने भी नहीं हुए वो भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। कोई भी कॉर्पोरेट डेटर या फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने 12 महीने भी नहीं हुए कोई प्लान अप्रूव हुआ था और उसका वायलेशन कर दिया है वो भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। और कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जिसने कि जिसके खिलाफ लिक्विडेशन में चल रहा है वो भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है। फिर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54C एंड 7 एंड 9 और 10, ओके अब ये कहता है
लॉ मेकर का कहीं ना ये सेक्शन बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि मैं पीआईआरपी को बढ़ावा देना चाहता हूं एज कंपेयर टू सीआईआरपी, क्योंकि सीआईआरपी में ना झगड़े बहुत होते थे. फॉर एग्जांपल, एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाया जाता था, उनकी जगह एक नया व्यक्ति आरपी लाया जाता था. अब आरपी कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अंडर काम करके सारा कंट्रोल अपने पास ले लेता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी से खत्म हो जाती थी, सारा कंट्रोल उनसे ले लिया जाता था. तो जिस प्रोसेस में से फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे कोई घुस जाए और मेरे घर से मेरे ही ताले की चाबी लेकर मेरे सामने ही खड़ा होके उस पे ताला लगा रहा हो, बार बार खोल रहा हो ताला, तो कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा. तो इसलिए लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे, जिसको दूर करने के लिए पीआईआरपी का कॉन्सेप्ट लाया गया. और लॉ मेकर ने कहा कि पीआईआरपी और सीआईआरपी के कॉन्सेप्ट में जब जब टकराव होगा पीआईआरपी को जिता देंगे. कैसे? लॉ कहता है कि मान लीजिए अगर एप्लीकेशन पीआईआरपी की पेंडिंग है, तो एप्लीकेशन तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबसे पहले पीआईआरपी की एप्लीकेशन को निपटाएगी, चाहे बेशक कोई एप्लीकेशन सेक्शन 7, 9 और 10 में फाइल क्यों ना हो चुकी हो. ठीक है, आगे बढ़े चले. अक्षांश अग्रवाल, नहीं जी, एक्सप्लेनेशन 2 की वजह से कोई नहीं हुई ना खत्म. आपने ध्यान से सुना नहीं है, सेक्शन 11 को ध्यान से सुनना जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था. आप बाकी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, बट आप अपने खिलाफ ही नहीं कर सकते जब आपके खिलाफ फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल की है. अक्षांश जी ध्यान से सुना करो. हाँ जी, तो यानी कि पीआईआरपी भी पेंडिंग है, सीआईआरपी भी पेंडिंग है, पहले पीआईआरपी सुनी जाएगी. अगली बात, अगर मान लीजिए आपने 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन फाइल की, 14 दिन के अंदर अंदर आपने पीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो फिर पहले पीआईआरपी सुनी जाएगी. ओह बाप रे. अच्छा, अगर मान लीजिए, परंतु अगर पीआईआरपी की एप्लीकेशन 14 दिन बाद फाइल हुई है, तो फिर पहले 7, 9 और 10 फाइल होगी. अब ये तो गलत हो जाएगा ना. चलिए, तो इसलिए तो पीआईआरपी विल गेट अ प्रायोरिटी ओवर द सीआईआरपी. ओके, फिर टाइम पीरियड की बात करता है, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. ओके, कहता है पूरी की पूरी सीआईआरपी प्रोसेस कितने टाइम में खत्म हो जानी चाहिए? विद इन 180 डेज. पूरी की पूरी सीआईआरपी प्रोसेस कितने दिन में खत्म हो जानी चाहिए? 180 दिन के अंदर. क्या कोई एक्सटेंशन? हाँ, परंतु एक्सटेंशन के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए. कितने परसेंट? 66%. किसके पास एक्सटेंशन लेने जाओगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास. कौन जाएगा? या तो आईआरपी जाएगा या फिर आरपी जाएगा. शुरुआत में जब एप्लीकेशन एडमिट होती है तो आईआरपी अपॉइंट होता है, लेटर ऑन वो आरपी बनता है. कैसे बनता है हम देखेंगे, सेक्शन 22 में अभी आने वाला है. तो या तो आईआरपी जाएगा या आरपी जाएगा. ट्राइब्यूनल के पास यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक्सटेंशन के लिए जाएंगे. एक्सटेंशन एक ही बार मिलेगी, मैक्सिमम एक बार, और वो भी मैक्सिमम 90 दिन की मिलेगी. 90 दिन से ऊपर की कभी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी. तो यानी कि एक बार में 30 दिन की दे दी, दूसरी बार में 60 दिन नहीं पॉसिबल. एक बार में 30 दिन बस खत्म, क्योंकि मैक्सिमम एक बार है प्लस मैक्सिमम 90 दिन है. ठीक है, फिर अगर मान लीजिए बीच में लीगल केसेस फाइल हो गए, कोर्ट कचहरी में मामले अटक गए, तो फिर तो ओवरऑल सीआईआरपी 330 दिन इंक्लूडिंग द लीगल केसेस 330 दिन के अंदर अंदर खत्म करना पड़ेगा आपको. 330 दिन के अंदर. ओके, तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है. ठीक है जी, ये सबसे लास्ट वाला जो था वो ट्रांजिशन फेज था. आगे मॉरेटोरियम पीरियड की अब मैं बात करता हूं. मॉरेटोरियम पीरियड एंड पब्लिक नोटिस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 क्या कहता है? कहता है जिस टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को एडमिट करेगा, एडमिट करते ही वो मॉरेटोरियम को डिक्लेयर कर देगा, प्लस 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 पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर देगा, प्लस आईआरपी को प्रपोज कर, आईआरपी को अपॉइंट कर देगा. ओके, दोबारा बोलूं, जिस टाइम एप्लीकेशन एडमिट होगी उस टाइम मॉरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी एंड आईआरपी को अपॉइंट कर दिया जाएगा. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. फिर कहता है जी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 के प्रोविजंस क्या कहते हैं? कहता है जी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय द ऑर्डर डिक्लेयर द मॉरेटोरियम पीरियड. जब मॉरेटोरियम पीरियड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी, तो मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर 180 दिन का मॉरेटोरियम होगा, कुछ चीजों पर कंप्लीटली बैन होगा. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी केस कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ नया फाइल नहीं होगा, जो चल रहे हैं वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे. दूसरा, कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं होगा, गिफ्ट नहीं होगा, कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं होगा, इनकमिंग चार्ज, अलाइनेटिंग गिफ्ट, कोई भी ट्रांसफर सेल नहीं होगी किसी भी
कॉर्पोरेट डेटर के किसी भी एसेट्स की। थर्ड, कोई भी बैंक अब एक्शन नहीं लेगा सरफासी एक्ट के अंदर ताकि इन्फोर्समेंट किया जा सके सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, तो सरफासी एक्ट वहीं का वहीं रुक गया। द आंसर इज यस। नेक्स्ट, कोई भी ओनर या लेसर कॉर्पोरेट डेटर से अपनी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश नहीं करेगा। ये सब कुछ कब चलेगा? सेक्शन 14 के अंदर, मॉरेटोरियम के इंपैक्ट के अंदर आएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी? तो इसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी आती हैं। यस, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी नहीं चलेंगी एक बार अगर मॉरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर हो गया तो। फिर कहता है कि देखो जी, मॉरेटोरियम पीरियड में सब कुछ रुक गया, तो इसका मतलब क्या लाइसेंस वगैरह, कोटा वगैरह जो मिले हुए हैं, क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? द आंसर इज नो। आपके लाइसेंस जो मिले हैं कंटिन्यू रहेंगे, आपको जो कोटा मिले हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, जो कंसेशन मिले हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, प्रोवाइडेड उनके लिए जो भी रेलेवेंट फी वगैरह है वो आप पे कर रहे हो। तो आपको जितने लाइसेंस, जितने कंसेशन, जितने कोटा मिले हुए हैं वो सब कंटिन्यू रहेंगे, डोंट वरी। बट फिर कहता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेस टर्मिनेट नहीं होगी। कौन सी एसेंशियल गुड्स और सर्विसेस? लॉ मेकर ने इस सबसेक्शन को अपाहिज कर दिया। उन्होंने कहा एज में भी स्पेसिफाइड, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है सबसेक्शन 2 के अंदर। ओह, फिर रादर इसमें कुछ लिखने के उन्होंने सबसेक्शन 2A डाल दिया। वो कहते हैं वो सारी गुड्स और सर्विसेस जो कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नजर में एसेंशियल है, उनकी अगर पेमेंट हो जाती है तो मॉरेटोरियम पीरियड में उनकी सप्लाई नहीं रुकेगी। अब सबसेक्शन 2 को तो आपने अंधेरे में रख दिया, खत्म ही कर दिया। सबसेक्शन 2A पावरफुल बना दिया कि एसेंशियल क्या है, जो कि आरपी डिसाइड करेगा। जो भी आरपी डिसाइड करेगा या आईआरपी डिसाइड करेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस क्रिटिकल है कॉर्पोरेट डेटर के लिए, तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टर्मिनेट वगैरह नहीं होंगी, प्रोवाइडेड उनकी पेमेंट जो है मॉरेटोरियम पीरियड की अगर वो पे होती रहे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ठीक है ना। चले फिर कहता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होंगे। किसके ऊपर? श्योरिटी के ऊपर, यानी कि जिस व्यक्ति ने कॉर्पोरेट डेटर के लिए गारंटी दी है उस व्यक्ति के ऊपर मॉरेटोरियम नहीं लगेगा। तो मतलब पर्सनल गारंटर को स्यू किया जा सकता है मॉरेटोरियम में भी। हाँ, वो गरीब आदमी लपेटा गया भाई साहब। फिर मॉरेटोरियम कब तक रहेगा? जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई वहां से लेकर 180 दिन तक, परंतु इसी बीच में अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया तो मॉरेटोरियम खत्म। इसी बीच में अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया है तो भी मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा। फिर आता है जी पब्लिक अनाउंसमेंट। कहता है जी पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी। सेक्शन 13 के अंदर भी लिखा गया कि जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट होगी उसी दिन पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब पब्लिक अनाउंसमेंट जब की जाएगी तो उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? कॉर्पोरेट पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब अखबारों में जब दोगे तो दोगे कॉर्पोरेट डेटर कौन है, मॉरेटोरियम पीरियड कितना है, कब तक चलेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है, किस डेट तक क्रेडिटर अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं, अगर उन्होंने क्लेम झूठा सबमिट किया, फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ये सब कुछ सेक्शन 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट में होगा। और पब्लिक अनाउंसमेंट कब होगी? इमीजिएटली, जिस दिन इमीजिएटली का मतलब है जिस दिन आईआरपी का अपॉइंटमेंट होगा उसके बाद इमीजिएटली। अब इमीजिएटली का मतलब है विद इन 3 डेज। कितने दिन? विद इन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी, विदिन 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी। चलो जी, आज हम करेंगे सेक्शन 15 तक हो गया हमारा, बस इतना ही करना था। अब आप आज का होमवर्क सुन लीजिएगा। होमवर्क ये है कि आपको
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे करने हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे करने हैं, सारे सॉल्व हो सकते हैं आज की डेट में, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बहुत धमाकेदार है, खासकर एक डेल क्रेडर का एक क्वेश्चन है, वो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं, कल मेरे जो सेक्शन कवर होंगे वो होंगे 16, 17, 18 तो नहीं है, 19 नहीं है सिलेबस में, 20 नहीं है, 21, 22, 28 तक, कल 16 से 28 सेक्शन तक कवर होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।